कोरोना वायरस बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। उमरा ज़ाहिरीन पर गैर मुआयना मुद्दत के लिए पाबंदी। सिर्फ अकामा होल्डर मुसाफिर ही सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। जद्दा और मदीना जाने वाली परवासों से उमरा ज़ाहिरीन ऑफलोड कर दिए गए। लाहौर से सऊदी अरब के लिए शेड्यूल परवासों से 792 ज़ाहिरीन ऑफलोड। एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को पेशगी आगाह कर दिया गया। गल्फ एयरलाइन का लाहौर से बहरीन फ्लाइट शेड्यूल भी मुअत्तल। ताबान एयर की मशहद से लाहौर आने और जाने वाली परवासें मंसूख। खदशे के पेश नज़र सऊदी अरब की नई एविएशन पॉलिसी जारी। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात, लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में इंतजाम नामुकम्मल। सर्विसेज हस्पताल का डेंगी वार्ड कोरोना वार्ड में तब्दील, मगर सहूलियात नापैद। मरीजों के आइसोलेशन के प्रोटोकॉल समेत HDU बनाने, कार्डियक मॉनिटरिंग, सूरत हाल से निमटने के लिए अमली की तरबियत, ना हिफाजती किट मुहैया की गई। टीचिंग अस्पतालों में हिदायत के बावजूद N99 मास्क की खरीदारी भी ना की जा सकी। कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना के हवाले से इजलास। PKLI में 75 बिस्तरों पर कोरोना आइसोलेशन वार्ड कायम। सर्विसेज हस्पताल का डेंगी वार्ड कोरोना वार्ड में तब्दील। ज़रूरी साजो सामान खरीदने के लिए 236 मिलियन रुपये जारी। शहर में दाखिली और खारजी रास्तों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। मुतासर अफराद के लिए गैर आबाद इलाकों में हस्पताल बनाने की तजवीज़ दे रिकॉर्ड। तालीमी इदारों में छुट्टियों के लिए विफाकी और सूबाई इदारों से मुशावर। कोरोना वायरस फैलने का खदशा, वायरस से बचाव में इस्तेमाल होने वाला सर्जिकल मास्क मार्केट से गायब। मुनाफाखोर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। 150 रुपए वाले मास्क का पैकेट 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। कीमत में कई गुना इजाफे के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त आए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई और मास्क की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए ड्राफ्ट को पाबंद करने की इस्तेदा। कोरोना वायरस के मरीजों के इंकशाफ पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी हिकमत अमली बनाने, चारों वज़राए आला का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ को सदबाब के लिए हुकूमती इकदाम में ताखीर पर तशवीश। कोरोना वायरस का जाहिर होना मुश्किल, ये किसी तवाना शख्स में भी मौजूद हो सकता है। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की City 42 के प्रोग्राम City@10 में गुफ्तगू। बोले, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी अरसे पहले हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए थे। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेड एमरजेंसी का अफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में उस्मान गुज़ार का हस्पताल में आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बोले, PIC समेत लाहौर के दीगर हस्पतालों की हालत भी बेहतर बनाई जाएगी। वज़ीर आला की हस्पताल आमद शहरों के लिए ज़हमत बन गई। फिरोजपुर रोड 6 घंटों तक बंद रहने से मरीज फार हो गए। वज़ीर आला आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है या गवर्नर आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है ना, उसके लिए तो इतनी सिक्योरिटी होती है ना इंतहा से ज्यादा। तो जो गरीब आदमी होते हैं वो बार परेशान हो रहे होते हैं। ये की कौन सी गवर्नमेंट है, ये कौन सी तब्दीली है? मैं भी मजदूर हूँ, मेरी बीवी को भी प्रॉब्लम है। वो मुझे आगे से कहते हैं कि यहाँ से आए, यहाँ वाले कहते नहीं जी रूट लगा हुआ है, बुज़दार साहब तशरीफ ला रहे हैं। आवारा कुत्तों की तलफी में जिला इंतजामिया नाकाम। 24 घंटों में आवारा कुत्तों के काटने से मजीद 52 शहरी मुतासर। शहरियों का सूरत हाल पर अदम तहफ्फुज़ का इजहार। आवारा कुत्तों की फौरी तलफी का मुतालबा। बच्चों में 60% अमराज मौरूसी होते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के शोबाए गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर हुमा अरशद चीमा कहती हैं, मौरूसी अमराज की तशखीस के लिए जदीद सेंटर कायम होना चाहिए। मौरूसी अमराज से आगाही के लिए 29 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाब किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क से तिबी माहरीन शरीक होंगे। CTD और फील्ड फोर्स की कारकर्दगी सवालिया निशान। मतलूब 649 दहशतगर्दों की अदम गिरफ्तारी पर IG बरहम। मुतालिका फोर्सेज और अफसरान की कारकर्दगी बाइस शर्मिंदगी करार। हुकाम को दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी के लिए इकदाम करने की हिदायत। PHA का मेट्रो बस प्रोजेक्ट को 30 लाख का चूना। 26 लाख के पौधे 56 लाख में बेच दिए। सेक्रेटरी हाउसिंग के हुक्म पर इंक्वायरी ओपन। पीड एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए डायरेक्टर PHA तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी सफेद हाथी साबित होने लगा। अथॉरिटी के शहर में 5000 से ज्यादा कैमरे ताहाल खराब। अथॉरिटी को माली बहरान का सामना।
محکمہ فائنینس سے 60 کروڑ روپے کا تقاضا، سیف سٹی کے لیے مختص 1500 ملین میں سے 800 ملین سے زائد مل چکے ہیں۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پرائیویٹ ڈیولپرز کی بھاگ دوڑ بے سود، معاہدہ ختم کرانے کے لیے افسران سے رابطے غیر مؤثر۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کا اپنے خلاف بڑھتی شکایات پر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ، پی این ڈی کوآپریٹو فیز 2 کے نجی ڈیولپرز کے خلاف نیب میں تحقیقات جاری ہیں۔ کرونا وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمرہ زائرین پر پابندی، ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ملک بھر سے سعودی عرب جانے والی عمرہ زائرین کو آف لوڈ کر دیا، بولے عمرہ زائرین کو پیمنٹ کیسے واپس کریں گے، حکومت تعاون کرے۔ لاہوریوں کو جعلی دودھ سے بچانے کے لیے اہم اقدام، سرپرائز ناکوں کی بجائے مستقل ناکوں کا فیصلہ، پنجاب فوڈ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد پر داخلی خارجی راستوں کی ناکہ بندی کرے گی، شہر میں لائے جانے والا دودھ ٹیسٹنگ کے بعد کلیئر کیا جائے گا۔ مہنگی ایل پی جی کے خلاف عوامی رکشہ یونین کا احتجاج، مظاہرین کا حکومت سے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ، مظاہرین کی اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی مذمت، کل موچی گیٹ پر مہنگائی کے خلاف جلسے کا اعلان۔ ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والے شادی ہالز پر بھی پی آر اے کے ریڈار پر، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا نان فائلر شادی ہالز کے خلاف کریک ڈاؤن، سیلز ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر متعدد بینکویٹ ہال سرب مہر۔ 22 روز گزر گئے، بھائی کے قاتل آزاد ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، پولیس قاتلوں سے ملی ہے۔ آئی جی آفس کے باہر مکہ کالونی کے رہائشیوں کا مظاہرہ، آئی جی شعیب دستگیر سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیس کے 3 شریک ملزمان کی ضمانتیں خارج، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کی سماعت، فواد حسن فواد، احد چیمہ اور دیگر 12 ملزمان کی حاضری مکمل، سماعت 6 مارچ تک ملتوی، عدالت کو شہباز شریف کی حاضری معافی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ لاہور رجسٹری میں 2 روز کے لیے مقدمات کی سماعتیں، چیف جسٹس گلزار احمد سمیت 11 ججز نے مختلف مقدمات سنے، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مقبول باقر سمیت دیگر تشکیل کردہ 5 بینچز کا حصہ۔ میڈیکل بورڈ کی سفارش پر میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا گیا، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس چیک کرائیں، بولے نواز شریف نے شدید علالت میں بھی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ مسلم لیگ کا بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، چوہدری پرویز الہی سے سابق وفاقی وزیر رئیس منیر احمد سمیت پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، چوہدری پرویز الہی کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کا عوام کی ترجمان ہے، عوامی مسائل کو حل کروانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، 27 فروری پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جانب سے بھارتی سرماؤں کے لیے سرپرائز ڈے، 1 سال قبل آج ہی کے دن شہادت کے جذبے سے سرشار بہادروں نے ابھینندن کا جہاز گرایا، بھارتی سرحد کے اندر گھس کر کارروائی کی اور بتایا کہ کیسی ہوتی ہے سرجیکل اسٹرائک اور کیا ہوتا ہے جوابی وار۔ 27 فروری پاکستانیوں کے لیے تاریخ ساز دن جب بھارتی غرور خاک میں ملا، قوم پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے، گورنر پنجاب چوہدری سرور کا ویڈیو پیغام، کہا بھارت یاد رکھے پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں مکمل، 29 فروری کو پولنگ کے لیے 7 پولنگ اسٹیشن قائم، 4 عہدوں کے لیے 16 امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع، طاہر نصر اللہ، مقصود بٹر اور چوہدری بلاعت علی بار کی صدارت کے لیے آمنے سامنے 19,665 وکلا بائیومیٹرک ووٹنگ کے لیے اہل قرار۔
सफारी पार्क में शेरों के हमले में जाँ भाग बिलाल की नमाज जनाजा अदा, MPA मिर्जा जावेद समेत दीगर की शिरकत। पीर के रोज से लापता 18 साल नौजवान की बाकियात गुजश्ता रोज शेरों के पिंजरे से बरामद हुई। जू इंतजामिया के धमकाने पर गमजदा वालिद ने थाना रावण में दरख्वास्त दी, शफकत नामी अफसर पर जबामंद रखने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। 3 रोज तक इंसानी लाश जंगले में पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं लिया। लड़के ने जंगला कैसे फलांगा, किसी ने रोका क्यों नहीं। वजीर जंगली हयात असद खोकर सफारी जू के दौरे पर सख्त बरहम, जंगला फलांगना सिक्योरिटी की गफलत करार, हुकाम से नौजवान की हलाकत पर रिपोर्ट तलब। साबिक सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना के लिए अच्छी खबर, साबिक मुलाजमीन मरहूमीन के बच्चे फुल पेंशन के हकदार करार। लाहौर हाईकोर्ट का फुल पेंशन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी, जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस आसिम हफीज पर मुश्तमल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। दौरान ड्यूटी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब, पुलिस मुलाजमीन ने डकैती कत्ल समेत जरां की संगीन वारदातों के मुलजमान को गिरफ्तार किया। IG शुएब दस्तगीर ने 52 मुलाजमीन में इनामात तकसीम किए। साबिक RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद को तारीफी असनाद से नवाजा गया। वार्डन को महकमे की इज्जत की पासदारी करनी चाहिए, MU कॉलेज हॉल में सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकारों का इजलास। जुल्फिकार हमीद कहते हैं ट्रैफिक सिस्टम के लिए कानून शिकनी पर कार्रवाई लाजमी की जाए। इजलास में CCPO जुल्फिकार हमीद, CTO कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद, डिविजनल अफसरान, लेडी वार्डन समेत दीगर की शिरकत। डॉल्फिन पीरो फोर्स के स्पेशल दस्तों का कन्वेंशन, SSP ऑपरेशंस मोहम्मद नवीद की डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर्स वॉल्टन आमर, फोर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कन्वेंशन में मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की भी शिरकत। खिताब में कहा मुआशरे की इस्लाह में पुलिस का किरदार जहाज से कम नहीं। मोटरवे पुलिस के जिले तरबियत अफसरान का सीसीटी अथॉरिटी का दौरा, 40 रुकनी वक्त को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की ब्रीफिंग। ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, इमरजेंसी कॉल सेंटर और डिस्पैच कंट्रोल सेंटर के काम के तरीकेकार से आगाह किया गया। वक्त के अराकीन को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नजीर भट्ट का कैंप और कोटलखपत जेल का दौरा, दोनों जेलों से मामूली जराम में मुलविस 2 खवातीन समेत 62 कैदियों की रिहाई का हुक्म। फासिल जज ने जेलों में अस्पताल, किचन, बैरक्स का भी दौरा किया। सरप्राइज डे पर पाक फजाइया के शाहीनों को खराज तहसीन, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा की रैली। DC डॉक्टर नियाज अहमद, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। रैली में PTI रुकन असेंबली मुसरत चीमा भी शरीक, वाइस चांसलर और MPA मुसरत जमशेद चीमा की जानिब से केक काटा गया। रवा साल हज की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हजरात से दरख्वास्तों की वसूली, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान और इंतजामिया का हाजी कैंप का दौरा, इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अंजुमन महरिया नसीरिया बरकी की जानब से सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब, सज्जादा नशीन गोलरा शरीफ पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन गिलानी की खसूसी शिरकत। 8 मुस्तहक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की गई। तकरीब में मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अलामा मोहम्मद हुसैन गोलरवी, पीर महमूद फरीदुद्दीन फरीदी समेत दीगर की शिरकत। बिजनेस कंपनीज के लिए पाकिस्तान मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड मुतारिफ करा दिया गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफिस गुलबर्ग में तकरीब रहनुमाई, बिजनेसमैन और माहरीन ने तरक्की से मुतालिक अपने तजर्बात शेयर किए। तकरीब में आबिद हुसैन, जिले नवाब माइकलेट मैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स समेत दीगर की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर बिजनेस और रोजगार से मुतालिक आगाही फराहम की गई। डॉक्टर लबीबा शेख, डॉक्टर खालिद महमूद ने स्टॉल्स का मुआयना किया। डॉक्टर लबीबा शेख कहती हैं जॉब फेयर करवाने का मकसद तलबा को आगाही देना है। स्कूल एजुकेशन और अली इंस्टीट्यूट के जरिए तमाम साइंस मेला, 50 से ज्यादा स्कूलों के तलबा के बनाए फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए। नुमाइश में सूबाई वजीर तालीम मुराद राव की खसूसी शिरकत। कहती हैं साइंस मेले से बच्चों को
अमली तौर पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। खुसूसी बच्चों के तालीमी मरकज राइजिंग सन इंस्टीट्यूट का स्पोर्ट्स गाला, स्पेशल बच्चों की खूब मुकाबलेबाजी और हल्ला गुल्ला, बच्चों को खेलता देख कर वालिदैन भी खुशी से निहार, जीतने वाले तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा गया। राशिद लतीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तलबा ने दौड़, टग ऑफ वॉर, आर्म रेसलिंग, लॉन्ग जंप समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबाहत खान, प्रोफेसर ताहिर मसूद की खुसूसी शिरकत, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को गोल्ड मेडल्स और यादगारी शील्ड से नवाजा गया। पंजाब मार्शल आर्ट्स गेम्स में ताइक्वांडो के मुकाबले, 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 5 टीमें मद्दे मुकाबल, 40 बॉयज और गर्ल्स फाइटर्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान ग्रेग चैपल का दौरा लाहौर, ग्रेग चैपल ने आमिर केबल्स वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच देखा, कहते हैं लाहौर आकर माजी की यादें ताजा हो गईं। ग्रेग चैपल की अब्दुल कादिर के साथ साथ से भी मुलाकात, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की वफात पर ताज़ियत की।